नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत हमने आपको बहुत सारी विधियाँ बताई, बहुत सारे प्रयोग बताए कि किस तरह से आप प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने सभी रोगों को सही कर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि अंग्रेजी दवा किसी भी रोग को पूरी तरह से सही नहीं करती है, इसलिए हमें अंग्रेजी दवा का सेवन न करके प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए, क्योंकि सभी रोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से ही होते हैं, तो उनका इलाज भी प्रकृति में ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जल चिकित्सा की, जल के द्वारा किन किन रोगों को हम सही कर सकते हैं। दोस्तों, जल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। जल से केवल प्यासी बुझती है ऐसा नहीं है, जल जीवन है और जल से सैकड़ों तरह की बीमारियों को सही किया जा सकता है, उसी की बात आज हम करेंगे। दोस्तों, यूँ तो जल से सैकड़ों तरह की बीमारियों को सही किया जा सकता है और इसका उपयोग भी कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन आज हम मुख्य तीन प्रयोग जल के आपको बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार या शरीर के सभी रोगों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, पहली जो विधि है वो है गजकरणी। गजकरणी जैसा कि इसका नाम ही है, पानी पी के उल्टी कर देना। अब इसमें क्या होता है कि जब हम पानी पी के उल्टी करते हैं तो उल्टी के साथ में वे विजातीय द्रव्य भी बाहर आ जाते हैं जिनकी वजह से रोग होता है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसका प्रयोग कभी भी खाली पेट कर सकते हैं, बस एक से सवा लीटर हो सके तो गुनगुना पानी आप पी लें और पीने के बाद में थोड़ा सा नाभि से झुक के और दो उंगलियां हलक में जैसी डालेंगे आपको उल्टी लगेगी और आप उल्टी कर देंगे, बस ये विधि इसकी होती है। प्रारंभ में थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाने पे ये सही हो जाता है। तो इससे शरीर के अंदर पेट में जितने भी रोग हैं, बुखार हैं, सबको एक ही बार में ये सही कर देता है। हमारा तो अनुभूत प्रयोग है, एक ही बार में बुखार वगैरह सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग है उसे कहते हैं जलनेति। जलनेति यानी नाक से पानी को लेना और मुख से बाहर निकालना। इसमें गले के जो भी रोग होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम सिर दर्द या नेत्रों के रोग, ये सारे ही रोग जलनेति के द्वारा सही हो जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? एक चौड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसको नाक के पास में यहाँ पे रखें। ध्यान देंगे इसमें, जब नाक के पास में वो पानी का बर्तन ले जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, नाक को थोड़ा सा उसमें डुबोगे तो प्राकृतिक रूप से जो सांस अंदर जाती है उसी के साथ में स्वतः ही पानी अंदर जाएगा, और जो पानी अंदर जाएगा मुँह में आएगा और उसको मुँह से हमको बाहर निकालते जाना है। लेकिन कभी कभी कोई लोग असावधानी बरतते हैं और पानी को ज़बरदस्ती ऊपर खींचते हैं, जिससे नुकसान होता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है और दिक्कत होती है। तो ज़बरदस्ती पानी को नहीं खींचेंगे, पानी स्वतः ही सांस के साथ में अंदर चला जाएगा और उसको बाहर निकालते जाएंगे, ये क्रिया करनी है। इससे आपके गले के जितने भी रोग हैं, सर्दी खांसी जुकाम आदि, सब कुछ सही हो जाएंगे। अब तीसरा जो प्रयोग है उसे कहते हैं बासी पानी का प्रयोग करना। रात को किसी तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए, सुबह उठ के सूर्योदय से पहले यानी सौंच जाने के पहले पानी को पी लेंगे, एक से सवा लीटर पानी पी लेंगे, गुनगुना पानी हो तो अच्छा है, और पीने के बाद में फिर सौंच जाएंगे और इससे पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। प्रारंभ में इसमें दिक्कत आती है, पानी पीने में भी अभ्यास हो जाता है तो इसको फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत में बहुमूत्रता यानी बार बार
बाथरूम जाने की दिक्कत भी होती है, लेकिन 3-4 दिनों में 5 दिनों में अभ्यास हो जाने पर यह सही हो जाता है। और इस बासी पानी के प्रयोग से सैकड़ों तरह की बीमारियों को सही किया जा सकता है, जैसे शरीर के अंदर के जितने भी रोग हैं, बुखार हैं, सर्दी खांसी जुकाम, सिर दर्द, पथरी, डायबिटीज़ और भी बहुत तरह के रोग जो भी होते हैं, सब कुछ सही हो जाते हैं इससे। तो ये 3 प्रयोग हमने आपको बताए, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, करके आप देखें और दूसरों को भी इसके प्रयोग के विषय में बताएं, अंग्रेजी दवा के नुकसान उनको बताएं और इस प्राकृतिक चिकित्सा के फ़ायदे उनको बताएं, और इसका प्रयोग आप करके देखें, आजमाएं। हमारा तो ये अनुभूत प्रयोग है, लगभग 15-20 सालों से हमने कोई भी अंग्रेजी दवाएं नहीं ली। जब कभी भी रोग बीमारी हो भी जाती है तो इन्हीं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा जो हमने आपको बताया, इसी के द्वारा हम भी स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हमने आज आपको बातें बताई, ये विधियाँ बताई, वो आपके समझ में आई होंगी। अगर आपके समझ में कोई भी बात ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसके एक अगले भाग के साथ में, अगली कुछ चिकित्सा पद्धतियों के साथ में और भी जानकारियों के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.